पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के आरा प्रखंड के सोभी डुमरा मध्य विद्यालय के प्रांगण में हम सभी योग प्राणायाम आसन के माध्यम से शरीर और मन को स्वस्थ रखेंगे। तो सबसे पहले प्राणायाम तीन प्रकार के आपको मैं बताऊंगा। ऐसे तो स्वामी जी आठ प्रकार के बताते हैं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए तीन प्रकार का प्राणायाम बहुत ही लाभकारी है, जिसमें भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम का अभ्यास और भ्रामरी प्राणायाम। इन तीनों का मैं अभ्यास आपसे करवाऊंगा और आप इसके विधि को समझ करके प्रतिदिन घर में करेंगे। तो आइए हम ध्यान मुद्रा में बैठ कर इस अभ्यास को करते हैं, लेकिन हम आज खड़े होकर के आपको बता रहे हैं, ठंडा का मौसम है। तो आइए दोनों हाथों को एक बार उठा लीजिए और अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाते हैं। अब बाएं हथेली को नीचे रख लेते हैं। अब दाहिने हाथ को भी नीचे रख लेंगे। अब ये भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है, इसमें 5 सेकंड तक सांस भरना है, 5 सेकंड तक सांस को धीरे धीरे छोड़ना है और 5 मिनट तक इसका अभ्यास करना है। कितने सेकंड तक सांस भरना है, कितने सेकंड तक सांस को छोड़ना है और कितने मिनट तक अभ्यास करेंगे। बहुत अच्छे बालक, आप अब इसका अभ्यास कर लीजिए 2 मिनट का। आंख बंद करिए, धीरे धीरे सांस भरिए। जब धीरे धीरे सांस को भरेंगे तो ये हवा पेट में नहीं ले जाना है, ये हवा डायफ्राम में फेफड़े में डालेंगे। तो आपका सीना धीरे धीरे फैलता हुआ महसूस होगा। सांसों को धीरे धीरे जब छोड़ेंगे तो आपका डायफ्राम फेफड़ा सिकुड़ता हुआ महसूस हो रहा है। धीरे धीरे सांस को भरिए। ये हम जब 5 मिनट करते हैं तो आपको मालूम होगा या होना चाहिए कि शरीर में जितना खून है वो 1 मिनट में शुद्ध होने के लिए, साफ होने के लिए फेफड़े में, हृदय में प्रवेश करता है और ऑक्सीजन के द्वारा शुद्ध होकर प्रति मिनट पूरा शुद्ध खून शरीर को, सारे कोशिकाओं को, सारे अंगों को पहुंचता है। और जो व्यक्ति 5 मिनट तक लगातार धीरे धीरे सांस भरेगा उस व्यक्ति का खून शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है और 24 घंटे के लिए वह रिचार्ज होकर के पूरी ऊर्जा उत्साह के साथ वो काम कर सकता है, जीवित रह सकता है और बीमारी के परिप्रेक्ष्य में गले की बीमारी, टीबी की बीमारी, साइनस की बीमारी, सर्दी जुकाम की बीमारी, थायराइड की बीमारी, कहने का मतलब कि जितनी प्रकार की बीमारियां हैं सारे बीमारियों को हम भस्त्र का प्राणायाम करके इसे दूर भगा सकते हैं। आप इसका प्रतिदिन सुबह 5 मिनट अभ्यास करें और शाम को भी 5 मिनट अभ्यास कर लें और अपने शरीर को, मन को पवित्र करके, शुद्ध करके आपका जीवन हमेशा उज्जवल रहे, आप पढ़ लिख करके महान बने, यही शुभकामना है हम सबके तरफ से।